जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आपको मालूम है कि टीम इंग्लैंड एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट में और काफ़ी अच्छी पहचान रखता है अपनी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इस साल यानी कि जो हो रहा था एशेज सीरीज़, उसमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और मौजूदा 4 में से 3 मैचेस वो हार चुके हैं और एशेज सीरीज़ भी हार चुके हैं। तो इस हवाले से मैं पहले भी कई बार ये बात कर चुका हूँ कि अब इंग्लैंड को बहुत ही सख्त फैसले लेने होंगे और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने अगले सीरीज़ के लिए। तो इस हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और ये खबर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़राए से ये मालूम हुआ है कि ये खबर काफ़ी हद तक दुरुस्त होने जा रही है। तो बाकायदा तौर पर बात करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक की तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें बेल आइकन को, तक तमाम न्यूज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। तो बात कर चलें तो इंग्लैंड की ये जो 3 मैचेस हारे हैं और चौथा मुश्किल से बचाने में कामयाब हुए हैं ड्रॉ करने में, तो उसके बाद इंग्लैंड के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं और यानी कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी तरफ ये बयान आ रहे हैं कि जो टीम इंग्लैंड हारी है इसकी मेन वजह आईपीएल है। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी और वो गुस्सा भी करेंगे, लेकिन बात समझ नहीं की है, क्योंकि जब टीम इंग्लैंड की कोई भी मेन सीरीज़ हो रही होती है, यानी कि लास्ट टाइम उनकी सीरीज़ होनी थी टीम न्यूजीलैंड के साथ, तो उस दौरान आईपीएल हो रहा था और टीम के मेन प्लेयर जो थे वो तमाम आईपीएल खेलने के लिए गए हुए थे और अपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था पूरे सीज़न का आईपीएल में, तो इस वजह से वो टीम को फुली अवेलेबल नहीं हो सके, जिसकी वजह से टीम को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद अपनी टीम का मोमेंटम भी एक साथ नहीं रख सके। तो इस हवाले से बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि टीम इंग्लैंड ने आईपीएल में फुली अवेलेबल होने से इनकार कर दिया है, यानी कि कोई भी प्लेयर अब फुली अवेलेबल नहीं होगा पूरे सीज़न के लिए किसी भी टीम को आईपीएल में। पार्शली अवेलेबल होने की इजाज़त दी गई है क्योंकि आपको मालूम है कि काफ़ी हद तक बेहतरीन प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं आईपीएल में, मिसाल के तौर पर ईन मॉर्गन, जॉस बटलर, जोफर आर्चर, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टन और वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी धचका मिलने वाला है आईपीएल को, क्योंकि अब टीम इंग्लैंड सख्त फैसले लेने पर आ गई है। तो आज के लिए यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल बनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि तमाम क्रिकेट न्यूज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।